भैया प्रोटीन पाउडर मत लेना, बाल झड़ने लगेंगे, किडनी खराब हो जाएगी और मुंह पे मुहासे निकल जाएंगे। आई एम श्योर इस तरीके के सवाल और इस तरीके की बातें आपने हमेशा सुनी होंगी उन लोगों से जो ये कहते हैं कि भैया प्रोटीन पाउडर या फिर वे प्रोटीन पाउडर मत लो। इन बातों में कितनी सच्चाई है जानेंगे आज के वीडियो में। तो स्वागत करता हूं आपका किलो फिटनेस और लाइफस्टाइल चैनल पे, जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात, नो फालतू बात। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल दिग्विजय सिंह, इंडियन आर्मी रिटायर्ड, और मैं अपने चैनल पे करता हूं हेल्थ फिटनेस और लाइफस्टाइल से रिलेटेड सभी चीजों के बारे में। तो अगर चैनल पे नए हो और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो भैया तीन क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर वन ये है कि क्या प्रोटीन पाउडर लेने से हमारी किडनी खराब होती है। बहुत ही साधारण भाषा में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। अब देखो किडनी का काम क्या होता है। किडनी का काम ये होता है कि हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको फिल्टर आउट करके बाहर निकाल देना हमारे शरीर से। अब शरीर से कैसे निकालेगा बाहर, या तो यूरिन के रास्ते और या फिर वो पसीने के रास्ते। तो अगर किसी की किडनी हेल्दी है तो जो फिल्ट्रेशन रेट है ना वो वेस्ट प्रोडक्ट्स का, वो बहुत फास्ट होता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे शरीर से बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर किडनी में प्रॉब्लम है या कुछ खराबी है तो वो जो फिल्ट्रेशन रेट है वो हो जाता है स्लो, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो हमारे ब्लड में इकट्ठे होने लगते हैं। यहाँ तक सब सही है। अभी प्रोटीन पाउडर का किडनी के साथ रिलेशन नहीं बैठा। अब होता क्या है कि जब हम प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट है ना वो लगभग 30% तक 30% तक बढ़ सकता है। यानी कि किडनी को थोड़ा सा 30% ज़्यादा काम करना पड़ेगा जब आप प्रोटीन पाउडर कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर किसी की किडनी पहले से ही खराब है तो ये जो 30% का लोड बढ़ा है वो किडनी उसको संभाल नहीं पाती। तो ऐसे केस में क्या है, किडनी पे और भी एक्स्ट्रा लोड बढ़ेगा और प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आमतौर पर हमारी सबकी किडनियाँ जनरली हेल्दी रहती हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो एक किडनी पर ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, क्योंकि एक किडनी भी सफिशिएंट होती है हमारे शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए। तो जो हेल्दी किडनीज होती हैं वो इस ओवरलोड को ईजिली सह सकती हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकाल सकती हैं। इंटरनेट पे एक दो रिसर्च और स्टडीज़ हैं जिसमें ये पाया गया है कि भाई प्रोटीन का और किडनी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो क्या प्रोटीन पाउडर लेने से किडनी खराब हो जाती है, इसका आंसर आपको मिल चुका होगा। अब आ जाते हैं सवाल नंबर दो पे कि क्या प्रोटीन पाउडर लेने से हमें हेयर लॉस हो सकता है। अब इस सवाल को ना मैं दो भागों में विभाजित करूंगा, मर्दों में और औरतों में। मर्दों में जो हेयर लॉस होता है वो जेनेटिक्स या फिर टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट की वजह से होता है। टेस्टोस्टेरोन ब्लड के थ्रू हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचता है और वहां जाके ये कन्वर्ट हो जाता है DHT में। जिनके जीन्स में या जेनेटिकली जिनको हेयर लॉस का रिस्क होता है उनमें ये जो DHT होता है ना ये बड़े फॉलिकल्स को छोटे फॉलिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से पतले बाल उगते हैं आपके सिर में। अब वैसे तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो मेल हार्मोन है, लेकिन औरतों में भी ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है लिमिटेड क्वांटिटी में ओवरीज के अंदर। और लेडीज का जो हेयर लॉस का प्रोसेस है वो भी मर्दों से काफी मिलता जुलता है। ठीक है, तो भैया अब तक मुझे तो ऐसी कोई रिसर्च मिली नहीं, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी कि जिसमें हेयर लॉस और प्रोटीन इनटेक का कोई डायरेक्ट लिंक हो। डाइट में प्रोटीन लेना है ये हमें सारे डाइटिशियन या फिर न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं। तो अगर प्रोटीन लेने से हमको हेयर लॉस या फिर इस तरीके की किडनी इश्यूज होते तो हमें वो ज़रूर खाने से मना करते। और दूसरी बात है जो वे प्रोटीन पाउडर होता है, पाउडर के अंदर यस अगर क्वालिटी ठीक नहीं है या डुप्लीकेट पाउडर है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल्स या फिर इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जो कि आपको देखभाल के प्रोटीन पाउडर खरीदना चाहिए। नकली सप्लीमेंट की पहचान कैसे करें इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, वो वीडियो मैंने आई बटन में डाला हुआ है, उसे बाद में जाके आप ज़रूर देखना कि जब भी आप मार्केट में कोई भी सप्लीमेंट खरीदने जाते हैं तो असली और नकली में पहचान कैसे करें। यहाँ तक अगर आप मेरे साथ वीडियो में बने हुए हैं तो आई एम श्योर कि वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे और आखिरी सवाल की, और वो ये था कि क्या प्रोटीन पाउडर लेने से हमारे चेहरे पे मुहासे या फिर एक्ने बढ़ते हैं। इस सवाल का जवाब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं बढ़ते हुए बस इतना समझ लीजिए कि जो सबेशियस ग्लैंड्स है इन हार्मोन्स की वजह से
एक्टिवेट ज्यादा हो जाती है और जिसकी वजह से मुहासे और भी बढ़ सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई बच्चा अपनी एज यंग एज में बढ़ रहा होता है 16, 17, 18 में और उसको मुहासे निकल रहे होते हैं तो उसको कहते हैं कि जवानी फूट रही है। एक्चुअली ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसकी वजह से सेबेशियस ग्लैंड की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है और जिसकी वजह से हमें मुहासे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी बात और मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जो IGF है स्टडीज में ऐसा सामने आया कि अगर हम मिल्क का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं तो हमारी बॉडी में IGF जो हार्मोन है वो बढ़ सकता है। जो IGF है वो हमारे सेबेशियस ग्लैंड को ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से मुहासे बढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मुहासे बढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करके देखो कि आप दूध का कंजम्पशन कम करो, हो सकता है कि आपके मुहासे ठीक हो जाएं। और दूसरा, अगर वे प्रोटीन पाउडर कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको कंज्यूम ना करके आप प्लांट प्रोटीन पाउडर को या सोया प्रोटीन पाउडर को, इन सबको कंज्यूम करें, क्योंकि वे प्रोटीन जो है वो दूध से ही बनता है। लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन टू बी ऑन सेफर साइड ये वाली बात हम करते हैं कि दूध का कंजम्पशन कम कर दिया जाए तो हो सकता है मुहासे ठीक हो जाए। तो ये था प्रोटीन पाउडर का लिंक हमारी तीन बड़ी समस्याओं के बारे में। नंबर एक क्या था? किडनी प्रॉब्लम, हेयर लॉस प्रॉब्लम और मुहासे। आई एम श्योर वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।